हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष आई क्यू। सो आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स 19-20 जुलाई 2024। इस वीडियो में हम जो जो भी करंट अफेयर डिस्कस करेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाली है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एंड जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले है हमारा लोक संवर्धन पर्व, किरण रिजिजू इनॉग्रेट्स इन न्यू दिल्ली। किरण रिजिजू ने इनॉग्रेट किया है लोक संवर्धन पर्व, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। एज अ पार्ट ऑफ इट्स 100 डे प्रोग्राम, द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इज ऑर्गेनाइजिंग लोक संवर्धन पर्व टू शोकेस द स्कीम्स, प्रोग्राम्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज किया लोक संवर्धन पर्व टू शोकेस इट्स स्कीम्स, प्रोग्राम्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री। अपनी मिनिस्ट्री के स्कीम्स, प्रोग्राम्स एंड अचीवमेंट्स को शोकेस करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज किया लोक संवर्धन पर्व। एंड करंट हमारे मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स कौन है? किरण रिजिजू। द लोक संवर्धन पर्व इज सेलिब्रेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज वर्क टुवर्ड्स द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन इंडिया। ये पर्व सेलिब्रेट करता है मिनिस्ट्री के वर्क को टुवर्ड द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन इंडिया। लोक संवर्धन पर्व इज शोकेसिंग स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स थ्रू पोस्टर एग्जीबिशन। ये शोकेस करते हैं मिनिस्ट्री के वर्क को या स्कीम्स, प्रोग्राम्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को। बस आपने ये ध्यान रखना है कि लोक संवर्धन पर्व किसने इनॉग्रेट किया है? किरण रिजिजू, जो कि हमारे मिनिस्टर हैं माइनॉरिटी अफेयर्स के। एंड इसी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज किया लोक संवर्धन पर्व, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारा इनोग्रेशन ऑफ फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र। रिसेंटली इनोग्रेट हुआ है पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र। इन अ ग्राउंड ब्रेकिंग मूव, डॉक्टर जयशंकर इनोग्रेटेड द फर्स्ट जन औषधि केंद्र आउटसाइड इंडिया एट ग्रैंड बॉयज मॉरिशियस। कहाँ हुआ है? ग्रैंड बॉयज मॉरिशियस में डॉक्टर जयशंकर ने इनोग्रेट किया है पहला जन औषधि केंद्र आउटसाइड इंडिया। दिस इनोग्रेशन वॉज अटेंडेड बाय मॉरिशियस प्राइम मिनिस्टर प्रविंद कुमार जगनौथ, अंडरस्कोरिंग द इट्स इंपॉर्टेंस। इस फैसिलिटी का इंपैक्ट कवर ऑन लोकल हेल्थ केयर मेडिकल क्लिनिक एस्टैब्लिश विद इंडियन स्पॉट एम्स टू प्रोवाइड सेकेंडरी हेल्थ केयर टू 16,000 पीपल इन द ग्रैंड बॉयज एरिया। ये सेकेंडरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगा टू 60,000 पीपल इन द ग्रैंड बॉयज एरिया एंड अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड करेगा थ्रू द जनौषधि केंद्र। ये आपको पता होगा जनौषधि केंद्र का मेन एम यही है कि अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड करना, ठीक है, थ्रू द जनौषधि केंद्र। ठीक है, तो अपने दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। डॉक्टर जयशंकर ने इनोग्रेट किया है पहला ओवरसीज जनौषधि केंद्र, ठीक है, आउटसाइड इंडिया, कहाँ पे? मॉरिशियस में। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहाँ इनोग्रेट किया है? मॉरिशियस में, ग्रैंड बॉयज में, ठीक है। एंड ये प्रोवाइड करेगा सेकेंडरी हेल्थ केयर टू 16,000 पीपल इन द ग्रैंड बॉयज एरिया अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन। सो इसी के साथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना। प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना एज अ कैंपेन लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इन 2008 में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा ये परियोजना लॉन्च करी गई थी। दैट इज प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना अंडर द नेम जनौषधि कैंपेन। किस अंडर द नेम जनौषधि कैंपेन के नेम पे ये पीएम बीजेपी लॉन्च की गई थी। द कैंपेन वॉज रीनेम्ड एज पीएम बीजेपी इन 2008 में एज अ जनौषधि कैंपेन लॉन्च हुआ था, ठीक है। देन 2015-16 में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया पीएम बीजेपी, दैट इज प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना। ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज ऑफ इंडिया दैट इज बीपीपीआई इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना। ये आपने ध्यान रखना है कि कौन सी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, दैट इज ब्यूरो ऑफ फार्मास्यूटिकल पीएसयूज ऑफ इंडिया। द ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। ये अपने ध्यान रखना है कि जो कि ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है ऑफ द प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना, ये किसके अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। बीपीआई हैज आल्सो डेवलप्ड द जनौषधि सुगम एप्लीकेशन। ये भी आपने ध्यान रखना है कि इन्होंने डेवलप करी है जनौषधि सुगम एप्लीकेशन, ठीक है। दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। कैंपेन लॉन्च हुआ था एज अ जनौषधि कैंपेन, ठीक है, 2008 में, किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा, ठीक है। रीवैम्प कर दिया गया पीएम बीजेपी दैट इज प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना इन 2015-16। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। एंड ये काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। इन्होंने डेवलप करी है जनौषधि सुगम एप्लीकेशन। नेक्स्ट है श्रीलंका सेलिब्रेट्स एनुअल कटारगमा इसाला फेस्टिवल। द एनुअल कटारगमा इसाला फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन श्रीलंका। डिवोटीज हू स्टार्टेड देयर पदयात्रा इन मे हैव रीच द कटारगमा कंप्लीटिंग अ जर्नी ऑफ ओवर 500 किलोमीटर्स अक्रॉस डिफिकल्ट टेरेन ऑन अ फूट फ्रॉम एज फार अ फील्ड एज जाफना इन श्रीलंका's नॉर्दर्न पेनिनसुला। द कटारगमा इसाला फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज कटारगमा परहेरा इज अ सिग्निफिकेंट रिलीजियस एंड कल्चरल इवेंट हेल्ड एनुअली इन द टाउन ऑफ कटारगमा इन श्रीलंका। बस आपने एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो आपने ध्यान रखना है इसका एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है कटारगमा फेस्टिवल का नाम ध्यान रखना है इस साल, ठीक है।
ठीक है, कहाँ से कौन सेलिब्रेट करता है, कहाँ पे, श्रीलंका, दैट्स इट। बस आपको एक ही क्वेश्चन बन सकता है इस न्यूज़ में कि कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज़ श्रीलंका में। नेक्स्ट है, इंडिया कंप्लीट्स फोर्थ ICCPR ह्यूमन राइट्स रिव्यू। इंडिया ने कंप्लीट किया फोर्थ अपना ICCPR ह्यूमन राइट्स रिव्यू। रिसेंटली इंडिया सक्सेसफुली कंक्लूडेड इट्स फोर्थ फोर्थ पीरियडिक रिव्यू बाय द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमेटी, दैट इज UNHCR, अंडर द इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स इन जेनेवा। सो इंडिया ने सक्सेसफुली कंक्लूड किया अपना फोर्थ पीरियडिक रिव्यू बाय द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमेटी, अंडर द इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स इन जेनेवा। The review highlighted India's dedication to engaging with international human rights standards and its readiness to tackle concerns while maintaining its efforts to protect and promote the human rights of its citizens. And the review highlight करता है कि इंडिया की डेडिकेशन टुवर्ड्स द एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोशन प्रमोट द ह्यूमन राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन्स। एंड ICCPR का इट इज़ अ इंटरनेशनल ट्रीटी दैट प्रोटेक्ट सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स इंक्लूडिंग लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन एंड असेंबली। ICCPR दैट इज इंटरनेशनल कन्वीनर ऑफ सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स, ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जो प्रोटेक्ट करता है सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स इंक्लूडिंग लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन एंड असेंबली। इंडिया ने ज्वाइन किया था 1979 में, ठीक है, एंड हैड थ्री रिव्यूज़, ठीक है, एंड लास्ट किया था 1997 में। बस आपने ये ध्यान रखना है कि इंडिया ने अपना कंप्लीट किया इस बार का 2024 में, दैट इज़ फोर्थ पीरियडिक रिव्यू, ठीक है, बाय द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमेटी, अंडर द इंटरनेशनल कन्वीनर ऑफ सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स। इसका काम होता है, ये रिव्यू हाईलाइट करता है कि इंडिया की डेडिकेशन टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स ऑफ द सिटीजंस। एंड ICCPR का इंटरनेशनल ट्रीटी है जो प्रोटेक्ट करता है सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स इंक्लूडिंग द लाइफ, फ्रीडम स्पीच एंड रिलीजन एंड असेंबली। इंडिया ने ज्वाइन किया था ICCPR 1979 में, इससे पहले तीन रिव्यूज हो चुके हैं, लास्ट जो रिव्यू किया था थर्ड 1997 में, विद द लेटेस्ट इन 2024, दैट्स इट। नेक्स्ट आ रहा है, इंडियन स्पेस साइंटिस्ट ऑनर्ड एट इंटरनेशनल कोस्पार असेंबली। द कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च दैट इज कोस्पार, द वर्ल्ड फर्स्ट साइंटिफिक बॉडी डेडिकेटेड टू स्पेस साइंस रिसर्च, हैज रिकॉग्नाइज्ड द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टू इंडियन स्पेस साइंटिस्ट एट इट्स 45th साइंटिफिक असेंबली इन बुसान, साउथ कोरिया। न्यूज़ में क्या है, कोस्पार दैट इज कमिटी ऑफ स्पेस रिसर्च, जो कि वर्ल्ड की पहली साइंटिफिक बॉडी है डेडिकेटेड टू स्पेस साइंटिफिक रिसर्च, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टू इंडियन स्पेस साइंटिस्ट एट इट्स 45th साइंटिफिक असेंबली, कहाँ पे, बुसान, साउथ कोरिया में। एंड कौन से वो दो साइंटिस्ट हैं हमारे, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल एंड अनिल भारद्वाज। प्रहलाद चंद्र अग्रवाल वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सीनियर स्पेस साइंटिस्ट, रिसीव्ड इट्स एस्टीम्ड हैरी मैसी अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट, अनिल भारद्वाज द डायरेक्टर ऑफ द अहमदाबाद बेस्ड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी वाज अवॉर्डेड द विक्रम साराभाई मेडल, दिस अवार्ड जॉइंटली इंस्टीट्यूटेड बाय द कोस्पार एंड द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो। प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को मिला है हैरी मैसी अवार्ड, अनिल भारद्वाज को मिला है विक्रम साराभाई मेडल, जो कि डायरेक्टर ऑफ अहमदाबाद फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है। दिस अवार्ड जॉइंटली इंस्टीट्यूटेड बाय द कोस्पार एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारा विक्रम साराभाई मेडल है, यह जॉइंटली डेवलप किया गया था कोस्पार प्लस इसरो के द्वारा, ठीक है। ये अपने ध्यान रखने दो नाम, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जिन्हें मिला है हैरी मैसी अवार्ड, एंड अनिल भारद्वाज जिन्हें मिला है विक्रम साराभाई मेडल, जो कि जॉइंटली इंस्टीट्यूट किया गया था बाय कोस्पार एंड द इसरो। एंड जो कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च लोकेशन है ये कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में, एंड इनके एस्टेब्लिश कब हुई थी, 1958 में। मेजरली तो बस अपने आपने दो साइंटिस्ट के नाम ध्यान रखने हैं, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल एंड अनिल भारद्वाज, इन्हें मिला है हैरी मैसी अवार्ड, अनिल भारद्वाज को मिला है विक्रम साराभाई मेडल। नेक्स्ट है, आइवरी कोस्ट ज्वाइंस यूएन वाटर कन्वेंशन एज 10th अफ्रीकन मेंबर। आइवरी कोस्ट ने ज्वाइन किया है यूएन वाटर कन्वेंशन को एज 10th अफ्रीकन मेंबर। आइवरी कोस्ट ज्वाइन द यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन, बिकम द 10th अफ्रीकन नेशन टू डू सो। इट इज ऑल्सो नोन एज अ कन्वेंशन ऑफ द प्रोटेक्शन यूज ऑफ ट्रांसबाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स, विच वॉज अडॉप्टेड इन हेलसिंकी इन 1992 एंड एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1996। सो आइवरी कोस्ट बनाया है 10th अफ्रीकन नेशन टू ज्वाइन द यूएन वाटर कन्वेंशन। यूएन वाटर कन्वेंशन को बोलते हैं प्रोटेक्शन एंड यूएस यूज ऑफ ट्रांसबाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स, जो कि अडॉप्ट किया गया था हेलसिंकी इन 1992 में, ठीक है, फोर्स में आया था 1996 में। चैड एंड सेनेगल पहले अफ्रीकन पार्टीज बने थे इन 2018 में, ठीक है। आइवरी कोस्ट अभी ज्वाइन किया है एज अ 10th अफ्रीकन नेशन, दैट इज यूएन वाटर कन्वेंशन, जिन्हें बोलते हैं प्रोटेक्शन यूज ऑफ ट्रांसबाउंड्री वाटर कोर्स एंड इंटरनेशनल लेक्स, दैट्स इट। नेक्स्ट है पीएम स्वनिधि स्कीम। According to the Union Housing and Urban Affairs Ministry, Madhya Pradesh has scored the first place under the Best Performance State category in the Prime Minister Swanidhi Scheme. Union Housing and Urban Affairs Ministry के according, Madhya Pradesh ने पहला score किया है as a Best Performing State, ठीक है, Best Performing State category in the Prime Minister Swanidhi Scheme, जो कि हमारे 2020 में लॉन्च हुई थी। After Madhya Pradesh, Assam has been ranked second in the Best Performing States
इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस अवार्ड कैटेगरी। मध्य प्रदेश के बाद असम को मिला है सेकंड इन द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस अवार्ड कैटेगरी। प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, दैट इज पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि के फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। वाज अनाउंस एज अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक स्टिमुलस सेकंड अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान। द पीएम स्वनिधि प्लान विच आर स्टार्टेड इन 2020, जैसे मैंने आपको बताया 2020 में लॉन्च हुई थी। दिस लोन्स अप टू 50,000 का लोन्स प्रोवाइड करते हैं टू स्ट्रीट वेंडर्स। बस आपने ये दो चीज़ ध्यान रखनी है, दैट इज पीएम स्वनिधि स्कीम्स कितने के लिए? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन सिटीज विद नो कोलेटरल, ये भी ध्यान रखना कि लोन प्रोवाइड करती है अपटू 50,000 विदाउट एनी कोलेटरल, कि आपको कोई चीज़ मोर्टगेज या कोई गिरवी रखने की जरूरत नहीं है फॉर द लोन। विदाउट एनी कोलेटरल ये आपको लोन प्रोवाइड करती है अंडर द प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि प्लान अपटू 50,000। ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक अ प्लान वॉज पुट इन प्लेस टू हेल्प वेंडर्स रिकवर फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ द क्राइसिस ऑन देयर बिजनेसेस। कोविड के दौरान ये स्वनिधि स्कीम इफेक्ट में आई थी, ठीक है, वेंडर्स की हेल्प करने के लिए जिन्हें बिजनेस में काफ़ी लॉसेज हुआ था कोविड के दौरान। ठीक है, बस आपने ये ध्यान रखना है मध्य प्रदेश को पहला प्लेस मिला है इन द बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट एंड असम को सेकंड। एंड पीएम स्वनिधि के फुल फॉर्म क्या है? दैट इज प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। एंड ये स्पेशली फॉर है ओनली फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। 50,000 का लोन प्रोवाइड करते हैं अप टू, ठीक है, 2020 में लॉन्च हुई थी विदाउट एनी कोलेटरल। नेक्स्ट है नीति आयोग $500 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग टारगेट बाय 2030। नीति आयोग इन अ रिपोर्ट टाइटल इलेक्ट्रॉनिक्स पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेंज हैज सेट एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ $500 बिलियन इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन वैल्यू टर्म्स फॉर इंडिया टू बी अचीव बाय 2030। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जिसका टाइटल इलेक्ट्रॉनिक्स पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेंज, उसमें एम्बिशियस टारगेट सेट करा है $500 बिलियन का इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बाय 2030। दिस विल हेल्प इंडिया अचीव इट्स एम्बिशियस एम्बिशन ऑफ बिकमिंग द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये जो टारगेट सेट किया है नीति आयोग के द्वारा, ये हेल्प करेगा इंडिया को द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दैट इज IMF, इंडिया इज द वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान, जर्मनी एंड फ्रांस। IMF के अकॉर्डिंग इंडिया जो है फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है आफ्टर द US, चाइना, जापान, जर्मनी एंड फ्रांस। ठीक है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है अकॉर्डिंग टू IMF इंडिया। It was set up by a resolution to the United of the Union Cabinet on 1st of January 2015. नीति आयोग सेट अप हुई थी ऑन 1st of January 2015 बाय रेजोल्यूशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। एंड इसने यूनियन नीति आयोग ने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। नीति आयोग इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, अपने ध्यान रखने मेजर पॉइंट है। नीति आयोग ना ही तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, जैसे हमने देखा कि सेटअप बाय रेजोल्यूशन के द्वारा सेटअप हुई थी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑन 1st of January 2015, इसलिए ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। एंड इट कम्स अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ प्लान। ठीक है, ये भी अपने ध्यान रखना है। नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं? दैट इज PM, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। जो भी करंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो नीति आयोग के एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होते हैं। एंड वाइस चेयरपर्सन कौन है इस टाइम के? सुमन बैरी। नेक्स्ट है मिसी एलियट द रेन सेंट टू वीनस बाय नासा। मिसी एलियट का जो सॉन्ग है द रेन, ये नासा के द्वारा वीनस पे भेजा गया। नासा बीम द रेन सुपर डुपर फ्लाई थ्रू द स्पेस वेर इट ट्रेवल 158 मिलियन माइल्स टू द रीच वीनस। इट टुक अबाउट 14 मिनट्स टू गेट देयर एट द स्पीड ऑफ लाइट। द ट्रांसमिशन वॉज मेड पॉसिबल थ्रू द नासा डीप स्पेस नेटवर्क फ्रॉम द जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी इन द सदर्न कैलिफोर्निया। सो नासा ने भेजा है, ठीक है, मिसी एलियट का सॉन्ग। सॉन्ग का नाम क्या है? द रेन। कहाँ पे? वीनस पे। ठीक है, जो ट्रैवल करके गए 158 मिलियन माइल्स, ठीक है, टू रीच वीनस, जिसे लगे हैं 14 मिनट्स अराउंड, जो कि गया है स्पीड ऑफ लाइट पे। एंड ये पॉसिबल हुआ है थ्रू नासा डीप स्पेस नेटवर्क फ्रॉम द जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी, जो कि कहाँ पे है? सदर्न कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट है गेवरा एंड कुसमुंडा कोल माइन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड्स 10 लार्जेस्ट कोल माइंस। गेवरा एंड कुसमुंडा जो कोल माइन है छत्तीसगढ़ में, इन्हें इंक्लूड करा गया है वर्ल्ड्स के 10 लार्जेस्ट कोल माइंस में। टू कोल माइंस इन छत्तीसगढ़, गेवरा एंड कुसमुंडा, हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड Atlas.com's टॉप 10 कोल माइंस ऑफ द वर्ल्ड। दिस टू कोल माइंस इन द छत्तीसगढ़ अकाउंट फॉर अबाउट 10% ऑफ द कंट्रीज एनुअल कोल प्रोडक्शन एंड देयर कंबाइंड कोल प्रोडक्शन वॉज मोर देन द 100 मिलियन टन्स इन 2023-24। छत्तीसगढ़ की दो कोल माइंस, दैट इज क्या नाम है? गेवरा एंड कुसमुंडा। ये अपने ध्यान रखने, काफ़ी चांसेज है आपको क्वेश्चन में पूछा जाए फॉर द अपकमिंग एग्जाम के। दो कौन सी कोल माइन है? दैट इज गेवरा एंड कुसमुंडा, हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड Atlas.com's टॉप 10 कोल माइंस ऑफ द वर्ल्ड। ये दोनों कोल माइंस अकाउंट करती हैं फॉर अबाउट 10% ऑफ द कंट्रीज एनुअल कोल प्रोडक्शन
एंड ये कंबाइंड इनके कोल प्रोडक्शन मोर देन है 100 मिलियन टन्स। ठीक है, इंडोनेशियन डोमिनेट्स द टॉप 10 कोल माइंस लिस्ट विद 4 माइंस एंड द यूनाइटेड नेशन ब्लैक थंडर माइन हैज बीन रैंक द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल माइन। इंडोनेशिया टॉप 10 कोल माइन की जो लिस्ट है उसे डोमिनेट करता है, क्योंकि टॉप 10 में जो कि इंडोनेशिया की 4 माइंस हैं। ठीक है, टॉप 10 में 4 माइंस इंडोनेशिया की हैं, एंड जो सबसे पहले नंबर पे आती है वो है यूनाइटेड नेशंस की ब्लैक थंडर माइन हैज बीन रैंक द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल माइन। वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल माइन कौन सी है? यूनाइटेड नेशंस ब्लैक थंडर माइन। चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर ऑफ द कोल, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। चाइना वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है कोल का, एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज द लार्जेस्ट नॉन कोल रिजर्व इन द वर्ल्ड। सो इस स्लाइड में आपने क्या ध्यान रखना है कि कौन सी दो कोल्स माइन को इंक्लूड कराया गया है वर्ल्ड के 10 लार्जेस्ट कोल माइन्स है, दैट इज गेवर एंड कुसमुंडा, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है जी जो, एंड इंडोनेशिया की इंडोनेशिया डोमिनेट करता है टॉप 10 कोल माइन्स की लिस्ट को, बिकॉज इंडोनेशिया की टोटल 4 माइन्स हैं जो कि टॉप 10 लिस्ट में है। एंड सबसे ऊपर किसका नाम आता है? यूनाइटेड स्टेट्स की ब्लैक थंडर माइन का। एंड चाइना वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, एंड इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट है लाडला भाई योजना 2024। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे अनाउंस द लाडला भाई योजना फॉर बॉयज इन द स्टेट आफ्टर अनाउंसिंग द माझी लड़की बहन योजना फॉर गर्ल्स। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने दो स्कीम्स अनाउंस करी हैं, दैट इज एक तो है माझी लड़की बहन योजना इनके लिए, गर्ल्स के लिए, एंड उसके बाद अनाउंस करा है लाडला भाई योजना फॉर बॉयज। ये दोनों स्कीम्स आपने ध्यान रखनी है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस स्टेट ने लॉन्च करें, दैट इज महाराष्ट्र ने। द लैटर एम्स टू प्रोवाइड द मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस ₹1500 टू एलिजिबल वुमेन, जो कि ये है ना माझी लड़की बहन योजना, ये प्रोवाइड करेगी मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ऑफ 1500 टू एलिजिबल वीमेन अंडर दिस स्कीम। कौन सी स्कीम? लाडला भाई योजना। अभी हम बात करेंगे लाडला भाई योजना के बारे में। अंडर दिस स्कीम स्टूडेंट्स हुए कंप्लीटेड द 12th ग्रेड विल रिसीव 6000 पर मंथ, मीन वाइल स्टूडेंट्स होल्डिंग अ डिप्लोमा विल रिसीव 8000 पर मंथ, वाइल दोज हु हैव ग्रेजुएटेड विल बी गिवन 10000 पर मंथ। जिन स्टूडेंट्स ने अपनी 12th ग्रेड कंप्लीट करी है वो रिसीव करेंगे 6000 पर मंथ, एंड जिन स्टूडेंट्स ने डिप्लोमा होल्ड किया हुआ है वो करेंगे 8000 पर मंथ, एंड ग्रेजुएट करेंगे 10000 पर मंथ। नेक्स्ट हमारा ADB अप्रूव्स $240.5 मिलियन लोन फॉर रूफटॉप सोलर सिस्टम्स इन इंडिया। ADB दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने अप्रूव करा है लोन $240.5 मिलियन टू फाइनेंस रूफटॉप सोलर सिस्टम इन इंडिया, एडिंग द गवर्नमेंट्स एफर्ट टू एक्सपेंड एनर्जी एक्सेस टू रिन्यूएबल एनर्जी। सो इंडिया के एम है टू अचीव अबाउट 50% ऑफ द क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम द नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्सेज बाय 2030 इन लाइन विद इट्स ग्लोबल कमिटमेंट्स टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस। सो ये भी अपने ध्यान रखना है कि इंडिया का टारगेट है कि बाय 2030 जो कि इंडिया की क्यूमुलेटिव एनर्जी इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी होगी वो 50% ऑफ द इलेक्ट्रिक कैपेसिटी हो थ्रू द नॉन फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, ADB हाईलाइटेड द डेवलपमेंट ऑफ दिस सिस्टम ऑल्सो सपोर्ट्स द प्राइम मिनिस्टर सूर्यघर प्रोग्राम विच इज डिजाइन टू एनकरेज वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ द रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस। सो ADB क्या है? इट इज अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश ऑन 19th of December 1966। ADB कब डेवलप कब हुआ था? एस्टैब्लिश 19th December 1966। इट इज अ प्रिंसिपल इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन एंड हेडक्वार्टर्स कहाँ? इसके मनीला फिलीपींस में। बस आपने दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। ADB ने प्रूव करा है $240.5 मिलियन रूफटॉप स्पेसिफिकली टू फाइनेंस रूफटॉप सोलर सिस्टम्स इन इंडिया, एंड इंडिया का टारगेट है कि थ्रू बाय 2030 ठीक है इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी हो थ्रू द नॉन फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, ADB के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मनीला फिलीपींस है। एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1966 में। अब देखते हैं अपॉइंटमेंट्स ऑफ द डे। फर्स्ट है जॉर्जस एल हेडरी। HSBC होल्डिंग्स दैट इज हांगकांग शंघाई बैंक कॉरपोरेशन हैज अपॉइंटेड इट्स चीफ CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जॉर्जस एल हेडरी एज इट्स नेक्स्ट CEO। HSBC होल्डिंग्स ने अपने CFO जॉर्जस हेडरी को अपॉइंट किया है एज इट्स नेक्स्ट CEO। नेक्स्ट है वॉन्डर लैन। द प्रेजिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन उर्सुला वॉन्डर लैन वॉज री इलेक्टेड एंड विल सर्व फॉर अनदर 5 ईयर्स। ये री इलेक्ट हुई हैं यूरोपियन कमीशन की प्रेजिडेंट उर्सुला वॉन्डर लैन, एंड ये सर्व करेंगे फॉर द अनदर 5 ईयर्स। द 720 मैं यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव फॉर विद द 401 वोट्स इन फेवर 284 अगेंस्ट एंड 15 एब्सेंटीज। सो एस्टैब्लिश इन 1993 बाय द मास्ट्रिश्ट ट्रीटी, यूरोपियन यूनियन एस्टैब्लिश हुआ था 1993 में बाय द मास्ट्रिश्ट ट्रीटी। द EU करंटली हैज 27 मेंबर स्टेट्स, EU के अभी हैं टोटल 27 मेंबर स्टेट्स विद द ब्रुसेल्स सर्विंग एज डिफेक्टो कैपिटल। ब्रुसेल्स जो है EU की डिफेक्टो कैपिटल है। बस आपने ये ध्यान रखना है
यूरोपियन कमीशन की कौन से कौन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, दैट इज उर्सुला वोन डर लेन। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।